So hello everyone, we come to the second class on Lentoff matrix input output model, जिसमें कि आज हमारा इस वीडियो में मेन फोकस किस पे होगा कि हम क्वेश्चंस करें, ठीक है, चाहे हमें उसकी फिजिबिलिटी देखनी है, राइट, सिमोन हॉकिंस वायबिलिटी देखनी है किसी मॉडल की, या फिर हमें देखना है कि डिमांड चेंज होने से टोटल ग्रॉस में क्या चेंज आएगा, या फिर हमें डिमांड निकालना है, तो इन सारी चीज़ों पे हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, लेट्स सी. गिवन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स, ये इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स, ठीक है, फाइंड द ग्रॉस आउटपुट टू मीट द फाइनल डिमांड ऑफ 200 ऑफ एग्रीकल्चर एंड 800 ऑफ इंडस्ट्री. यानी जो डिमांड अभी 100 और 400 की है, जब ये डिमांड बढ़ के रिस्पेक्टिवली 200 और 800 की हो जाएगी, तो इसका ग्रॉस आउटपुट जो अभी 1000 और 2000 का है वो कितना होगा, ये हमें बताना है. हमने क्या क्या प्रोसेस लिया है एक एक करके समझेंगे. आई होप आप लोगों ने वीडियो नंबर 1 देख रखा है, तो आप अकॉर्डिंगली हर चीज़ को सिस्टमेटिकली देखेंगे. सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स को बनाना. स्टेप 1 इज टू मेक टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स. टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स को स्टैंडर्ड लैंग्वेज में ए से डिनोट करते हैं, तो आइए ए से डिनोट करते हैं. टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स हमें क्या बताता है कि एक यूनिट, राइट, इंडस्ट्री एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, ये है, तो विद रिस्पेक्ट टू टोटल आउटपुट कितना है, तो ये 300 यूज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू 300, तो इसको क्या करेंगे हम 300,000 को डिवाइड करेंगे, तो 300 अपॉन 1000, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 400 अपॉन 1000, राइट, बिकॉज ये एग्रीकल्चर से आ रहा है, ठीक है, तो एग्रीकल्चर का टोटल आउटपुट कितना है 1000, तो ये आ गया हमारे पास 400 अपॉन 1000, ओके. ये वाला इंडस्ट्री हमारे पास इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, तो ये इंडस्ट्री, ये इसका आउटपुट कहाँ से आ रहा है मेरे पास, ये हमारे पास आ रहा है, ये इंडस्ट्री से ही आ रहा है, ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो गया 600 अपॉन 2000. यहाँ कितना आ गया बच्चों, ये आ गया हमारे पास 1200 अपॉन 2000, ठीक है. तो सबसे पहला काम होता है आपके पास टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स को क्रिएट करना. बहुत ध्यान से समझेंगे, राइट, 300 जहाँ जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल करो, राइट, ट्राई टू मेक इट अ सिंपल फॉर्मेट. 3/10 कैन नॉट बी फर्दर रिड्यूस्ड, 6/20 कैन बी रिड्यूस्ड टू 3/10, 4/10 कैन बी रिड्यूस्ड टू 2/5, 12/20, 4 से कैंसिल हो रहा है, 3/5 कैन बी रिड्यूस्ड. सबसे पहला काम हमें क्या करना है, टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स क्रिएट करना है, ठीक है, टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स क्रिएट करना है, जो हम इस प्रकार से करेंगे, ओके. द नेक्स्ट थिंग इज टू क्रिएट द लिंटॉफ मैट्रिक्स. लिंटॉफ मैट्रिक्स मैंने क्या बताया था, आई माइनस ए, राइट, आई आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ए आपने अभी अभी क्रिएट किया, ए इज व्हाट, दिस इज 3/10, 3/10, 2/5, 3/5, मैंने सब्सट्रैक्ट किया बच्चों, I माइनस ए की वैल्यू, 1 में से 3/10 गया तो यहाँ बचा मेरे पास 7/10, 0 में से गया तो ये माइनस 3/10 आ गया, 0 में से ये गया तो ये माइनस 2/5 आ गया, 1 में से 3/5 गया तो ये क्या चीज़ है बेटा, दिस इज 2/5, राइट, सब्सट्रैक्ट करने पे ये कितना आ जाएगा, दैट विल बी 2/5, तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास 2/5 आया. हमने लिंटॉफ मैट्रिक्स क्रिएट किया, राइट, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड लिंटॉफ मैट्रिक्स, ठीक है, लिंटॉफ मैट्रिक्स, आई माइनस ए को ही हम लोगों ने क्या कहा है, लिंटॉफ मैट्रिक्स का है. अब हमने लास्ट क्लास में जब हम कॉन्सेप्ट क्लास कर रहे थे, तो हमने देखा था कि जो हमें ग्रॉस आउटपुट चाहिए होता है उसको हम लोग एक्स से डिमांड, एक्स से डिनोट करते हैं, और जो हमें डिमांड चाहिए होता है, जो डिमांड है इंडस्ट्री की, जो ये एक्सटर्नल डिमांड है, इसको हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं. तो हमने क्या देखा था कि टोटल आउटपुट किसके इक्वल होता है, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स है, इनटू ग्रॉस आउटपुट प्लस द डिमांड. और यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू क्या निकाली थी बेटा, हमने एक्स की वैल्यू निकाली थी आई माइनस ए inverse into t, ठीक है, this gives us the gross demand. That means हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमने Lentoff matrix निकाला है इसका हमें inverse चाहिए. inverse किसी भी matrix का निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका determinant निकालते हैं, ठीक है,
तो आओ चलो डिटरमिनेंट हम यहाँ पे निकालते हैं। चेंज द कलर सो दैट द क्लास नोट्स दैट रीचेज यू इज एज क्लियर एज पॉसिबल। सो मैं i माइनस a का डिटरमिनेंट निकालूंगा, कितना आ गया बेटा 14/50, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 14/50 माइनस दिस इंटू माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, ये कितना दे रहा है, ये हो रहा है हमारे पास 6/50, ठीक है 6/50। ओवरऑल कितना आ गया, दिस इज कमिंग आउट टू बी 8/50, ठीक है 8/50 को मैं कैसे देखता हूँ, मैं इसको ऐसे देखता हूँ यानी कि 0.16। और कभी भी जब मुझे इन्वर्स निकालना है तो हमें मालूम है कि जो डिटरमिनेंट होता है जिसका इन्वर्स निकालना है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, राइट। और यहाँ पे जो हमारे पास साइमन हॉकिन कंडीशंस हैं, वो कंडीशन क्या थी, दो कंडीशन दी थी साइमन हॉकिन ने। पहली कंडीशन ये दी थी कि डिटरमिनेंट की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो, विच इज़ राइट 0.16 इज ग्रेटर देन ज़ीरो। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि आई माइनस ए जो मेरे पास मैट्रिक्स आएगा इसके जो डायगनल एलिमेंट्स होंगे दैट शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो। सो 7/10 एंड 2/5 इवन दैट इज ग्रेटर देन ज़ीरो, सो इवन द सेकंड कंडीशन इज ट्रू। तो मैं क्या बोलूंगा, द सिस्टम इज वायबल, राइट। यहाँ पे अभी जो वायबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो उसमें हमें इतना ही करना होता है, राइट। तो व्हाट विल से द सिस्टम इज वायबल, ये जो सिस्टम है दो इंडस्ट्रीज का आपस में इंटरडिपेंडेंस का, ये वायबल है, राइट, पॉसिबल है, ठीक है। दैट इज व्हाट वी चेक इन साइमन हॉकिंस टू कंडीशंस, राइट, यही दो कंडीशंस चेक होती हैं। अब आई माइनस ए तुमने निकाल लिया, इनवर्स कैसे निकालते हैं बेटा, आई माइनस ए अगर मुझे इनवर्स निकालना है तो उसके लिए क्या करते थे, एडजॉइंट करते थे, राइट, एडजॉइंट ऑफ आई माइनस ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ आई माइनस ए, राइट, दैट इज हाउ वी यूज्ड टू डू, ओके। और एडजॉइंट देखना बड़ा आसान होता है 2/2 का, क्या करते हैं, जो हमारे पास डायगनल एलिमेंट्स होते हैं उनको इंटरचेंज कर देते हैं। सो दिस 2/5 वुड कम हेयर एंड 7/10 वुड गो टू द अदर प्लेस। और जो नॉन डायगनल एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास उनका साइन रिवर्स कर देते हैं, यानी ये -3/10 था तो ये +3/10 हो जाएगा, और ये -2/5 था तो ये +2/5 हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने किससे डिवाइड करना है, 0.16 से डिवाइड करना है। तो अगर मैं अपॉन में 0.16 लिखूं तो क्या मैं इसको 100/16 लिख दूं, चलेगा ना, राइट। तो यहाँ पे तुमने इस वैल्यू को क्रिएट कर दिया, ओके। अब कैलकुलेशन के लिए मैं नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ इसको। सो यहाँ तक हमने कैलकुलेशन कर ली, बाकी कैलकुलेशन के लिए मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे इसको कॉपी करा है। और वी वुड लाइक टू रीच द फाइनल आंसर, हमें फाइनल आउटपुट चाहिए, यानी कि हमें एक्स चाहिए, ठीक है। तो एक्स कैसे मिलेगा, आई माइनस ए के इनवर्स से हमने इनवर्स कैलकुलेट कर लिया है, इसको डी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डी कितना है हमारा 200 and 800, डी कितना है यहाँ पे देख लो, फाइनल डिमांड कितना चाहिए 200 और 800, ठीक है। तो जो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स डी का आएगा वो 200 और 800 है, ये हमारे पास यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे सभी लोग बड़े प्यार से, एक्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों, एक्स की वैल्यू होगी आई माइनस ए का इनवर्स इंटू डी, और डी अभी हमने देखा था कितना था 200 और 400, पहले ये लिख लेता हूँ बिकॉज मैं भूल सकता हूँ, 200 400 था ना, 800 था, 200 और 800 है, देखो भूल गया ना मैं, बहुत जल्दी भूलता हूँ यार, बड़ी टेंशन है, भुलक्कड़, 200 एंड 800, ओके। और ये इनवर्स कितना आ गया अपने पास 100/16, ठीक है। कैलकुलेशन देखेंगे जहाँ जो चीज़ रिड्यूस होगी करेंगे, ये हमारे पास कितना है 2/5, ये कितना है बच्चों 3/10 एंड दिस इज 2/5 अगेन एंड दिस इज ये कितना था 7/10 होगा ना, दिस मस्ट बी 7/10, ओके। सो 100/16 आई विल कीप इट एज इट इज, आई वोंट डू एनी चेंजेस देयर। और यहाँ देखते हैं कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके, सो 2/5 इंटू 200, तो 5 से डिवाइड करूँगा कितना होगा, 5 से डिवाइड करूँगा तो हो जाएगा 40, और 40 इंटू 2 इज 80 प्लस 3/10 इंटू दिस, यानी कि 83 कितना होता है 240 होता है, ओके। यहाँ फिर से 2/5 से किया तो ये फिर से 80 आ जाएगा बच्चों, और यहाँ 7 से किया तो ये 80, और ये 560 आई गेस, राइट 560, ओके वंडरफुल। अब ये 100/16 को भी कुछ आराम से कर लें क्या, कैंसिल 4 से कर लें, तो ये रह जाएगा 25 और ये रह जाएगा 4, ठीक है भाई। तो ये तुम्हारे पास 25/4 नीचे बाहर रह गया, और यहाँ आ गया आपके पास 320, ओके।
320 and this is how much? This is 640. All right. ये हमारे पास 640. यहाँ पे मुझे लाइन नहीं खींचनी चाहिए थी. राइट. तो मैं इस लाइन को हटाऊंगा. 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना होगा? 4 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 80, है ना? तो दिस इज लाइक 80 × 25 फर्स्ट एलिमेंट. और इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 160. तो ये 160 × 25. ठीक है बच्चों, ये कैलकुलेशन करके देखते हैं. 25 × 8 इज 200, सो 2000 विल बी देयर. 25 × 4 इज 140, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 40 × 100, यानी कि 4000. ठीक है, तो ये जो मेरे पास ग्रॉस आउटपुट आ रहा है दोनों इंडस्ट्री का, वो कितना आ रहा है? 2000 और 4000. ठीक है, so we have another question. The following inter-industry transaction table was constructed for economy for the year 2018. Industry 1, Industry 2, final consumption, this. Okay, construct the technology matrix. पहले तो technology matrix construct करनी है, जो तुम्हारे लिए अब बहुत आसान होना चाहिए. 500 upon 2500. ठीक है, कैसे बनाना याद रहेगा तुम्हें, है ना? जो पहला तुम्हारे पास ये कॉलम है, ध्यान रखो. ठीक है, तुम्हें टेक्निक भी सिखा देता हूँ. पहले कॉलम के एलिमेंट्स को तुम्हें पहले टोटल आउटपुट से डिवाइड करना है. ठीक है, 1750 upon 2500. और दूसरे कॉलम वाले को तुम्हें सेकेंड आउटपुट से डिवाइड करना है. ठीक है भाई, 1600 upon 8000. ठीक है, टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स हो गई तैयार. राइट, फटाफट से तुमने चीज़ों को कैंसिल आउट करके इसको सिंप्लीफाई करना है. तो 5 upon 25, आई विल टेक इट एज 1/5. 16 upon 80, दैट इज अगेन 1/5. 175 कितना होता है? 25 7 होता है. ठीक है, और 25 10 इज दिस. ठीक है, और ये भी कितना हो गया? 1/5. बहुत ही बढ़िया. ठीक है बच्चों, तुमने क्या निकाल लिया? तुमने टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स कैलकुलेट कर ली. राइट, आप चाहें तो आप इसको डेसिमल में रख सकते हैं, आप चाहें तो इसको फ्रैक्शन में रख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है. आपकी बुक में ज़्यादातर चीज़ें डेसिमल में दे रखी हैं, बट आप अगर फ्रैक्शन में रखते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, यू विल गेट ऑल द मार्क्स. ओके, फिलहाल आओ डेसिमल में भी कर लेते हैं. 1/5 इज 0.2, 1/5 इज 0.2, 7/10 इज 0.7, दिस इज 0.2 अगेन. ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स. चेक द वायबिलिटी ऑफ द सिस्टम यूजिंग साइमन हॉकिन कंडीशंस. हमें यहाँ पे डिमांड नहीं दी गई है, टोटल ग्रॉस आउटपुट नहीं बताना है, सिर्फ वायबिलिटी चेक करनी है कि ये जो हमारे पास इंडस्ट्री के आपस में इंटरडिपेंडेंस है, क्या ये वायबल है कि नहीं. वायबल का मतलब क्या होता है? कि इंप्लीमेंट करने लायक है कि नहीं, या सिर्फ थियोरेटिकली ही चलेगा. तो वायबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग क्या करते थे? हम लोग लेंथ ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं. व्हाट इज दैट? दैट इज i - a निकाला हमने. ठीक है, तो ये कितना आ गया? 0.1 में से 0.2 गया, तो ये 0.8 हो जाएगा ना. दिस विल बी 0.8. ये -0.2 हो जाएगा, ये -0.7 हो जाएगा, और ये 0.8 हो जाएगा. आई होप यू गेट इट. अब जो हमारे पास हॉकिंस साइमन कंडीशन है, उसमें सिर्फ दो कंडीशंस हैं बच्चों. पहली कंडीशन ये है कि जो मेरे पास ये डिटरमिनेंट आएगा i - a, दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो. और दूसरी कंडीशन क्या है? कि डायगनल एलिमेंट शुड बी ग्रेटर देन जीरो. तो दूसरी कंडीशन तो आसानी से दिख रही है, दिस इज ग्रेटर देन जीरो. फर्स्ट कंडीशन चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है. तो 0.8 × 0.8 इज 0.64 माइनस, व्हाट इज दिस? दिस इज 0.14. ठीक है, 0.14, विच इज कमिंग आउट टू बी 0.5. सो व्हाट विल से? एज पर द हॉकिंस साइमन कंडीशन, द गिवन सिस्टम इज वायबल. दैट्स ऑल. Right, you'll just write this. Okay, the given system is viable. That would be all for this question. Given system is viable. Viable yani practically feasible hai. Right, ye interdependency possible hai. All right. So coming to one more question. Right, dekhte hain ki isko kaise karna chahiye. Slightly inhone question ko present alag tarike se kiya hai. ठीक है, इसलिए हमें देखना है, बाकी करने का तरीका वही सेम रहेगा. सिर्फ लैंग्वेज में अगर कुछ चेंज हो जाए तो तुम कैसे डील करोगे, ये बात हमें यहाँ समझने की है. ठीक है, तो आओ देखते हैं. एन इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ टू इंटरडिपेंडेंट इंडस्ट्रीज, स्टील एंड लंबर. ठीक है, इट टेक्स 0.1 यूनिट ऑफ स्टील, 0.5 यूनिट्स ऑफ लंबर टू मेक 1 यूनिट ऑफ स्टील. अब देखो, ये जो
हमें इंफॉर्मेशन होती है ना, ये क्या देती है, ये हमें टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स देती है, राइट। ये जो 0.1 है, 0.5 है, ये कहाँ पे आएगा, कॉलम वन में आएगा, राइट। 0.1 क्या दर्शा रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 0.1 यूनिट ऑफ स्टील प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या, कितना, वन यूनिट ऑफ स्टील टोटल प्रोड्यूस जब होता है तो उस समय हमारे पास कितना यूनिट यहाँ पे इंटरनली कितना यूज होता है, कितना यूज होता है, 0.1 यूज होता है, ठीक है। सिमिलरली ये 0.2 ऑफ स्टील एंड 0 यूनिट्स ऑफ लंबर, अच्छा ये 0 यूनिट्स कैसे दे रखा है यार, चलो अब दे रखा है तो लेना पड़ेगा, चेंज नहीं कर सकते। ओके, दिस इज 0.2 यूनिट ऑफ स्टील एंड 0 यूनिट ऑफ लंबर, मतलब यहाँ पे यूटिलाइजेशन हो ही नहीं रही है, कोई बात नहीं, अब जो भी है वी कैन नॉट चेंज इट, ओके, टू मेक 1 यूनिट ऑफ लंबर, ऑल राइट, दैट इज ऑल। देन द इकोनॉमी विल एक्सपोर्ट 16 यूनिट्स ऑफ स्टील एंड 8 यूनिट्स ऑफ लंबर, राइट, नेक्स्ट मंथ, यानी जो डिमांड है वो इन्होंने बता रखा है, डिमांड कितना बताया बच्चों, 16 एंड 8, ओके, स्टील एंड लंबर, ऊपर स्टील है नीचे लंबर है, ठीक है, ऑल राइट। हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ स्टील एंड लंबर विल नीड टू बी प्रोड्यूस टू मीट द एक्सटर्नल डिमांड, यानी हमसे क्या पूछा गया, हमसे ग्रॉस पूछा गया, कितना हमें टोटल प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ग्रॉस अमाउंट पूछा गया, ठीक है, ग्रॉस आउटपुट पूछा गया, यानी हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, ऑल राइट। बड़े आसानी के साथ तुमने ये कैलकुलेट कर लिया, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आई माइनस ए देखना, तो आई माइनस ए देखने में कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं आनी चाहिए, वन में से 0.1 सब्सट्रैक्ट किया 0.9, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा -0.2, ये कितना हो जाएगा बच्चों -0.5, वन में से 0 गया 1, राइट। यहाँ पे फिर हम लोग साइमन के जो दो रूल्स हैं, राइट, साइमन हॉकिंस के जो दो रूल्स हैं उसको चेक कर लेंगे, इसका डिटर्मिनेंट अदरवाइज भी निकालना है, सो वाई नॉट चेक इट, सो फर्स्ट वॉज टू चेक द डिटर्मिनेंट, कितना आ गया बेटा, दिस इज 0.9 माइनस ऑफ 0.1, ठीक है, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 0.1 आ जाएगा, यानी कि ये मेरे पास 0.8 आ रहा है विच इज़ ग्रेटर देन 0, तो फर्स्ट रूल तो यहाँ पे फॉलो हो गया। सेकंड रूल क्या था कि हमारे पास जो डायगनल एलिमेंट्स है डेट शुड बी ग्रेटर देन 0, तो वो भी हमारे पास दिख रहा है, ग्रेटर देन 0, ओके। इसके बाद क्या करना है बेटा, हमें इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स निकालने पर ध्यान देते हैं, राइट, आई माइनस ए का इन्वर्स, बड़ा इजी होता है ना 2x2 का एडजॉइंट निकालना, इनवर्स निकालना, तो फटाफट से एडजॉइंट निकाल लेते हैं बेटा, डायगनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करा, ये आ गया 1, ये आ गया 0.9, और बाकी दो एलिमेंट्स का सिर्फ साइन चेंज करा, ओनली द साइन चेंज, सो दैट वुड बी 0.2 एंड दैट वुड बी 0.5, राइट, डिवाइडेड बाई वॉट, द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ये कितना है मेरे पास 0.8, तो मैंने ये रखा, ठीक है। 0.8 को क्या मैं 10x8 लिख लूँ, लिख लेता हूँ, 10x8 को क्या मैं 5x4 लिख लूँ, लिख लेता हूँ, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आपको इन चीजों में कोई परेशानी अभी तक नहीं आ रही है, ठीक है भाई, यहां तक पहुंच गए। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद तो बहुत ही आसान है, फाइनल ग्रॉस आउटपुट इज इक्वल टू व्हाट, आई माइनस ए का इनवर्स इनटू द न्यू डिमांड, व्हाट एवर इज द डिमांड, ठीक है, या मुझे डी लिखना चाहिए था या फिर मुझे वैल्यू लिखनी चाहिए थी, ठीक है, तो चलो मैं इसको डी ही कर देता हूँ, इंटू डी, आइए वैल्यूज रखते हैं, लेट्स सी कितने आ रहा है, सो दिस इज 5x4 इंटू 1 इंटू 0.5 इंटू 0.2 इंटू 0.9 इंटू डी, एंड व्हाट इज द डी, डी इज 16 एंड 8, दिस इज द डिमांड 16 एंड 8, आइए देखते हैं कितना आ रहा है बच्चों, दिस इज 5x4 मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया 16 इंटू 0.2 into this, तो 16 के साथ मेरे पास कितना ऐड हो रहा है बेटा, दिस इज 1.8 16 है ना, तो 1.6 ऐड हो रहा है, ओके, देन यहाँ पे मैंने देखा 16 5 is 80, तो ये मुझे मिलेगा 8, एंड 8 9 is 72 से मुझे क्या मिलेगा 7.2, ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्रेशन दैट आई एम गेटिंग। फाइनल आंसर क्या आएगा, जगह थोड़ी कम है तो कलर चेंज करके यहाँ पे कर देता हूँ, आई डू इट हेयर इन द बॉक्स, राइट हेयर, तो ये 5x4 से कितना आ गया, ये आपके पास आ गया 17.6, हाँ, तो 5x4 इंटू 17.6, और दूसरी वैल्यू आ गई 5x4 इंटू, ये कितना आ गया 8 और 7 15, हैं 8 और 7 15, 15.2, कैंसिल हो रहा है क्या, मेरे ख्याल से हाँ 4.4 से जा रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है क्या, आई थिंक यस, 3 and 32 is 8, so 3.8, when I multiplied by 5 I get 22 here, and when I multiplied by 5 I get 19 here,
So that should be the respective gross output that we are looking for. Okay, steel total production kitna hona chahiye? 22 units ka hona chahiye. Lumber ka total production kitna hona chahiye? 19 units ka hona chahiye. Just to make sure that next month, if the demand changes to 16 and 8, then this would be met. So the answer should be 22 and 19. So coming to the last question, right? जिसमें हमें demand calculate करना है, इसको जल्दी से देखेंगे. Find the demand. अभी तक हमने gross देखा, viability देखी, अब एक demand पे भी questions जल्दी से करना चाहेंगे, right? तो इसके लिए जो basic funda है, वो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए. Basic funda क्या था बच्चों? Basic funda था कि अगर तुम्हारा technology matrix A है, तो into the gross output plus demand is always equal to what? The gross output, right? यहाँ से ही हम हमेशा demand निकालते हैं. A की value यहाँ पे दे रखी है, right? हमारे पास आउटपुट मैट्रिक्स एक्स हमें दे रखा है. ऑल्सो टेस्ट द हॉकिन साइमंस कंडीशन. मैं इसको टेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने तुम्हें टेस्ट करना सिखा दिया है. आई माइनस ए करके तुम टेस्ट कर लोगे. मैं सिर्फ डिमांड कैलकुलेट करूंगा जो बड़ा आसान है, राइट? तो डिमांड कैसे आएगा भाई? डिमांड आ जाएगा मेरे पास एक्स माइनस ए एक्स. समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, एक्स तुम्हें दे रखा है. कितना है मेरे भाई? ये है तुम्हारे पास 42, 78. ए कितना है भाई? दिस इज 3/7, 2/13, 4/7, 6/13 एंड एक्स की वैल्यू अपने पास थी 42 एंड 78. सो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और बड़े आसानी से ये कैलकुलेशन हम सबसे हो जानी चाहिए, राइट? आओ कर लेते हैं. हो सकता है वीडियो बीच में रह जाए, तो आप इसको अपने लेवल पे करेंगे, है ना? मैं फ़िलहाल करने की कोशिश करता हूँ. और अभी दोबारा से लॉग इन कर लेना, ठीक है? 3/7 × 42 से गया तो मेरे पास कितना आ गया? 6, 6 3 is 18. यहाँ 13 से गया तो यहाँ पर फिर से 6 आ गया, दैट इज़ 12. ओके, और यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया 7 से 6 और 4, 6 is 24. यहाँ गया तो 6 से 6, 6 is 36. ठीक है भाई, तो ये देखो 42 में से तुम्हारा 30 गया तो 12, और 78 में से कितना गया? 60 गया तो ये 18. डैट शुड बी दी आंसर. 12 एंड 18 डिमांड अगर आप देखेंगे तो डिमांड कितनी होगी इस पर्टिकुलर केस के लिए? 12 एंड 18. ठीक है,